श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दर्शकों, 11 अगस्त दिन रक्षाबंधन है और साथ ही साथ इस दिन पूर्णिमा का दिन है, गुरुवार का दिन पड़ रहा है। दर्शकों, इस दिन आप लोगों को मात्र पीपल की जड़ में एक चीज़ रख करानी है और इसी उपाय को, छोटे से उपाय को, पूज्य गुरुदेव की शिव महापुराण कथा से बताया गया छोटा सा उपाय है, इसी उपाय को आप लोगों को करना है। और इस उपाय को करने से आपकी जीवन की धन से लेकर जो भी समस्या होगी, यानी कि जो भी धन दान में आपकी जीवन में समस्या आ रही होगी, इस उपाय को करने मात्र से अन धन की आपकी जीवन में कभी भी कमी नहीं होगी। दर्शकों, किस प्रकार से सच्चुक उपाय को करना है वह जानकारी इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, हर बार की तरह कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। तो दर्शकों, एक छोटा सा उपाय, मात्र एक, आप लोगों को जो पूर्णिमा पड़ रही है, सावन महीने की पूर्णिमा है दर्शकों, और बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है क्योंकि रक्षाबंधन है जो कि भारत संस्कृति में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, और इसी के साथ साथ गुरुवार का दिन पड़ रहा है, भगवान श्री हरि विष्णु जी का दिन है। तो दर्शकों, एकमात्र छोटा सा उपाय है, धन अन्न की सभी समस्या खत्म हो जाएंगी। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक लोटा लेना है, पीतल का आप लोगों को लोटा लेना है। सबसे पहली बात, एक पीपल का लोटा लेना है, पीतल वाला। पीतल का लोटा लेकर आप लोगों को पीतल के लोटे में कच्चा दूध डालना है। गाय का हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि गाय का दूध होता है वो बहुत ही शुद्ध होता है। तो गाय का दूध आप लोगों को लेना है, पीतल के लोटे में डाल लेना है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो तुलसी के पौधे में से आप लोगों को एक पत्ता तोड़ लेना है। तोड़कर आप लोगों को उसी के साथ एक सिक्का लेना है और उसे भी उस लोटे के अंदर ही डाल लेना है, तुलसी के पत्ते के साथ साथ ही। भगवान विष्णु जी का जो भी मंत्र आपको आता हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी मंत्र आपको आते हो भगवान विष्णु जी के, वो आपको बोल देने हैं। और फिर आप लोग चले जाना है, कोई भी आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो तो उसके नीचे, वहाँ पर जाकर आप लोगों को दर्शकों, उस पीपल की जड़ में भगवान विष्णु जी का या और माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र होता है, उन दोनों को बोलकर आप लोगों को उसे अर्पित कर देना है और वापस आपको आ जाना है। जीवन की अन्न धन की जो भी समस्याएँ होंगी वह जल्द खत्म होंगी, साथ ही साथ धन की आवक आपके घर में बढ़ेगी। तो अवश्य करें, बहुत ही कारगर उपाय होगा। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्ते।